राम पूछ लेगा तेरा नाम पता, चाहे तू बता चाहे न बता, चाहे तू बता चाहे न बता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, ढूंढ लेगा पूछ लेगा ढूंढ लेगा हाँ पूछ ले। राजधानी में कल शाम एक बेहद रोचक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी थे, लेकिन सभी दिव्यांग थे, अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे। ब्लाइंड क्रिकेट मैच का आयोजन पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की तरफ से कराया गया था। सिर्फ खिलाड़ियों को लेकर ही मैच रोचक नहीं था, बल्कि सिर्फ 5 ओवर का ही मैच हुआ और उसमें भी सिर्फ एक ही टीम ने बैटिंग की। इसके बाद उसी 5 ओवर के हिसाब से मैच का निर्णय हो गया और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी भी दी गई। ये सब कुछ हुआ क्रिकेट का रन छोड़ भागने की वजह से। दरअसल दूसरी टीम यानी कि बिहार टीम बी जो फील्डिंग कर रही थी, वो बीच मैच से ही भाग खड़ी हुई। आपको हम बता दें कि दिव्यांग फ्यूचर एसोसिएशन से जुड़े दिव्यांगों ने इस क्रिकेट मैच में भाग लिया था। इसमें वैसे खिलाड़ी थे जो देख नहीं सकते थे। टॉस हुआ और 5 ओवर तक मैच भी चला, लेकिन फिर दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच आपसी विवाद शुरू हो गया। यह विवाद टीम की मजबूती और बढ़ते रन को लेकर हुआ था। लाख समझाने के बाद भी टीम नहीं मानी और टीम बी मैदान छोड़कर भाग गई। उसके बाद टीम ए जो बैटिंग कर रही थी, उसी को विजेता बना दिया गया। इस टीम में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले संतोष कुमार को मैन ऑफ द मैच के लिए चुना गया। आपको बता दें कि संतोष इस टीम के उपकप्तान भी थे, तो वहीं विद्यानंद पासवान इस टीम के कप्तान थे। मैन ऑफ द मैच मिला है और हमने, हमारा बिहार ए टीम था और हम लोगों ने प्रदर्शन किया और जो ऐसे कि हमारे, हम लोग ने टीम भावना से खेला और हमारे टीम का भी यानी कि भरपूर सहयोग रहा और हमने अच्छा खेला, इसके वजह से हमें मैन ऑफ द मैच दिया गया। और हम विनर है, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। हमारे देश की संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 132वां जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग टूर्नामेंट करवाए थे। हमारे टीम संघर्ष की और संघर्ष करते हुए जीता। बिहार ए और बिहार बी खेल रही थी। एक्चुअली मैं इन लोगों को एकेडमिक भी देती हूँ, मैं इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। तो हुआ ये कि एक दिन मैं उन्हें कंबल वितरण करने के लिए गई थी, तो वो लोग सोनिया मैम आई हुई थी, मुझे याद है आज भी। तो उन लोगों से इन्होंने बोला था कि हम लोगों को क्रिकेट खेलना है, तो ये बात दिमाग में था। फिर मैंने सोचा चलो इसका आयोजन करवाया जाता है, तो फिर मैंने इन लोगों का आयोजन करवाया। अच्छा, आज का आयोजन कितना सफल रहा? ये आप देख सकते हैं सफल रहा, टीम ए जीती भी है, जिनकी कैप्टन, जिनके कैप्टन थे विद्यानंद पासवान और वाइस कैप्टन थे संतोष कुमार। पटना से न्यूज 18 के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।